जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुआ और ये चुनाव का परिणाम बेहद चौंकाने वाला। दरअसल चुनावों में विधानसभा के दौरान भारी भीड़ और खूब उत्साह जनता का देखने को मिला था और इस चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ रहे एक नेता ने खाता खोल दिया है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को जहां हरियाणा में बुरी तरह हार मिली, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सीट है जिसको जीत करके आम आदमी पार्टी ने एक और प्रदेश में अपना खाता खोल दिया है। जी हाँ, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा विधानसभा सीट से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक ने 4770 वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी ने उन्हें बधाइयां दी। मेहराज मलिक ने बीजेपी के उम्मीदवार को 4548 वोटों से हराया है। चुनाव आयोग के मुताबिक मेहराज मलिक को 22611 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को 18063 वोट मिले। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, पहले ही चुनाव में उसका खाता खुल गया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यहां खाता खुलना अपने आप में बड़ी बात है। इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रत्याशी को उम्मीदवार को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि 5वें राज्य में विधायक बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। राजनीतिक तौर पर कई चुनौतियों से पहले से जूझ रही आम आदमी पार्टी को ये पहली खुशी मिली है। हरियाणा में वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर मेहराज मलिक जम्मू कश्मीर में मिल गए हैं। दरअसल इस पूरी जीत की पटकथा पहले ही 16 सितंबर को ही देखने को मिल गई थी, जब डोडा में रैली के दौरान भारी भीड़ उमड़ी थी। आलम यह था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कंधों पर बैठा करके मंच तक पहुंचाया गया था और इसी के साथ उन्होंने अपनी जीत का एक तरह से ऐलान सा कर दिया था। दरअसल मौजूदा वक्त में DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तौर पर मेहराज मलिक काम कर रहे थे और वो अब चुनाव जीते हैं। डोडा की सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दशकों तक आतंकवाद से जूझने वाले डोडा में 45 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी। PM ने यहां पर भारी भीड़ को संबोधित किया था, लेकिन फिर भी उनका प्रत्याशी नहीं जीता। 2014 के चुनाव में डोडा सीट पर BJP को जीत मिली थी। इससे पहले ये सीट कांग्रेस के खाते में रहा करती थी। इस बार चुनावों में इस सीट से BJP के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के गुलाम नबी की पार्टी के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 5 प्रमुख प्रत्याशियों के साथ मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और डोडा में एक मोटे अनुमान के मुताबिक उन्हें वोट मिले। इसके अलावा यहां पर करीब 73,000 मतदाता हैं जिन्होंने 22,000 से ज़्यादा वोट दे करके मेहराज को जिताया है। इस सीट में जीत के बाद संजय सिंह ने भी कहा है, संजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की डोडा सीट से भाई मेहराज मलिक की ऐतिहासिक जीत की दिल से बधाई। कश्मीर में भी इंकलाब का आगाज अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में देश भर में आगे बढ़ रही और ईमानदारी की राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी जनसैलाब ने उसी समय जीत तय कर दी थी और आज सिर्फ इसका ऐलान हुआ है। दरअसल इस जीत के बाद 36 साल के मेहराज काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल मेहराज काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और वो 2021 में DDC के चुनाव को भी जीते थे। आपके जम्मू कश्मीर में निर्वाचित प्रतिनिधि पहले बने थे और डोडा में चुनावी मैदान में उतरे मेहराज मलिक ने PG तक पढ़ाई की है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने अपनी जनसभा में भीड़ देख करके उन्हें अनुमान हो गया था कि वो जीतेंगे, इसके बाद से वो चर्चा में आ गए थे। दरअसल इस रैली के दौरान टोपियां और झंडे भी कम पड़कर गए थे। मेहराज मलिक के ऊपर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने अपनी शपथ पत्र में 39,000 रुपए की संपत्ति बताई थी, इसके अलावा 2,00,000 रुपए की देनदारी होने की बात कही थी। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने जीत की बधाई देते हुए इसकी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में चली झाड़ू, डोडा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार मेहराज मलिक के जीत दर्ज करने पर देश भर में फैले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ढेर सारी बधाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।